हेलो एवरीवन। सो आज मंडे था तो आज हमारे रूम का कुछ तो सामान ख़त्म हो गया था, तो आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो आज हम सिटी में थोड़ा फार इधर उधर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, थोड़ा फार इधर उधर घूमेंगे और आपको दिखाएंगे इधर के क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या मिलता है और इधर क्या शॉपिंग के लिए क्या क्या होता है, कि इतने प्राइस होते हैं इसके इनके, ये सभी आपको आज दिखाएंगे। तो यहाँ पे वैसे तो शॉपराइट है, मैक्सी है, केरो है और बहुत कुछ आपको यहाँ पे लोकल मार्केट भी मिलते हैं, तो आप उधर भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं शॉपराइट के लिए, तो आपको उधर के प्राइस वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं। तो चलो लेट्स गो। तो आज है हम साउथ अफ्रीका के एक ऐसे वाले कंट्री में जो साउथ अफ्रीका में सबसे रिचेस्ट कंट्री है। तो आज है हम अंगोला कंट्री में। अंगोला कंट्री का कैपिटल सिटी है लुआंडा और लुआंडा से करीबन 600 किलोमीटर पड़ता है बेंगुला, और आज है हम बेंगुला प्रोविंस में। तो आज हम इधर के शॉपिंग करने वाले। वैसे तो अंगोला को खनिज संसाधनों में सबसे मामलों में सबसे अफ्रीकी देशों में से एक महत्वपूर्ण और सबसे अमीर देश माना जाता है। अंगोला के कुछ सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में हीरे, लोह, मैग्नीज और टिन शामिल है। देश के खनिजों के उच्च गुणवत्ता के कारण यहाँ पे खनन उद्योग अंगोला में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। तो हम आगे निकल पड़ते हैं सिटी की ओर। जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ती है अपनी इंडियन ब्रांड सुजुकी की स्विफ्ट, और लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो काउंटर्स लगे हैं वो यूनिटेल अफ्रीसेल लोकल कार्ड्स हैं इधर के, आप उधर से कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइड में अभी आप देख रहे हैं वो BFA इधर की बैंक है लोकल, और इधर से आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। ATM वगैरह है इसलिए भीड़ लगी हुई है। तो इधर के लोकल करेंसी है क्वांजा। क्वांजा अभी इंडियन करेंसी का रेट निकाल लिए तो अपना 100 रुपये इधर के 1000 रुपये, इस तरह से अभी करेंसी का एक्सचेंज चल रहा है। ऊपर नीचे हो सकता है अपने अपने टाइम के हिसाब से अलग अलग करेंसी का रेट चेंज होता रहता है। हम आगे जा रहे थे तभी एक हमारे ड्राइवर का एक काम था कंपनी का कुछ, तो इसलिए उसने गाड़ी थोड़ी बार रोक दी। जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं तभी इधर के लोकल बंदे आते हैं, आपको जहाँ भी आप पार्क करते हो तो आप वो बोलेंगे कि हम गाड़ी की आपकी केयर करेंगे, आप हमें पैसा दो। तो इनसे थोड़ा बच कर रहने का इतना ही, क्योंकि गाड़ी तो वैसे तो पार्किंग में लगाई होती है तभी वो बोलते हैं नो पार्किंग में है वैसा वैसा, तो आपसे पैसा ले लेते हैं, तो उनसे बच कर थोड़ा। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो ये हमारा है ड्राइवर पोलिनो। तो जैसे ही हम शॉप में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं इधर पे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सभी सब कुछ एक ही जगह पर इधर मिलता है। तो हम इधर ले रहे थे तो हमने इधर एक नोटिस किया कि अगर हम इंडिया में होते तो एक 5-10 चीज़ें लेने के लेने के लिए हमारे को एक 10 से 15 मिनट लगते हैं बहुत से बहुत, पर इधर हमने एक नोटिस किया कि इसने 1 घंटा लगाया 5 चीज़ों के लिए सिर्फ, हम बहुत बोर हो गए। तो वैसे हम उधर से लेके निकल पड़े तो हो गया हमारा, और एक जगह उसने उसका एक काम था कुछ, तो इधर का काम होने के बाद हम आगे निकलते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं तो वो बेंगुला का म्यूनसिपल है। जैसे ही हम आगे आगे जाते हैं तो आगे हमको लगता है प्राइम मोरेना। ये प्राइम मोरेना एक बीच है, उधर
सुंदर बीच है वो भी, आप उधर भी वीकेंड में जा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए। इधर की और एक बात आपको बतानी थी, इधर की पेट्रोल और डीजल का जो रेट है ना, पेट्रोल का 280 कौनसा है तो इंडियन रुपीज़ में 28 रुपीज़ के आसपास गिरता है, और डीजल का 135 कौनसा, मतलब 13 से 14 रुपए रुपए के इंडियन करेंसी में पड़ता है। तो सबसे सस्ता इधर पेट्रोल है, क्योंकि ये 92% एक्सपोर्ट करता है। इधर का थोड़ा ट्रैफिक का मतलब जैसा ड्राइविंग का साइड चेंज है, हमारे इंडिया में हम राइट साइड में ड्राइविंग व्हील होता है, पर इधर पे लेफ्ट साइड पे होता है, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा ड्राइविंग के लिए, तो आप संभाल के ही ड्राइविंग कीजिए। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ये हमारी छोटी सी नन्ही सी कार, तो अभी हम आगे निकल पड़े। यहाँ पे थोड़ा कैसा होता है, जब आप शूटिंग करते हो मोबाइल आपको हाथ में दिखता है ना कोई, तो आपको ही कोई घूरता है, क्योंकि ये यहाँ पे तो जब भी आप शूटिंग वगैरह करोगे तो आपको कोई तो आके बोल सकता है कि आप शूटिंग नहीं कर सकते, इधर अलाउड नहीं है, अपरोड की वीडियोस नहीं बना सकते या फोटो नहीं खींच सकते, ऐसा आपको बोलेंगे। तभी भी हमने ट्राई किया है, चलो देखते हैं आगे। जैसे ही हम आगे एंटर करते हैं शॉप राइट में, तो हमें फ्रूट्स मिलते हैं सभी, तो उधर से जैसे ही हम उधर से आगे जाते हैं तो हमें आगे पहले लहसुन और अदरक मिलता है। यहाँ पे अदरक की प्राइस है 819 100 ग्राम, मतलब 80 रुपये के 100 ग्राम के हिसाब से। आलू का रेट नहीं दिया गया, और ऑनियन ऑनियन क्या है 1429, मतलब 140 रुपये के जी। टमाटर 1400, मतलब 150 रुपये के जी के हिसाब से इधर चल रहा है टमाटर। फ्लावर वगैरह सब कुछ मतलब है, पर बराबर है। बनाना, तो बनाना बनाने का प्राइस है 135 रुपये के जी के हिसाब से बनाना मिलता है हमको। उधर से आगे जाएंगे, बनाना इधर के जी के हिसाब से ही मिलता है। और इधर संतरा आ गया, संतरे का क्या प्राइस है 1799, मतलब 180 रुपये के जी, मतलब 6 पैक का है वो, 6 पैक का 180 रुपये। और बाकी के फ्रूट्स भी है इधर अवेलेबल, उनके प्राइस है करीबन 200 250 इसके हिसाब से होता है। आगे जब जाएंगे तो इधर पिज्ज़ा का है, पिज्ज़ा का प्राइस है वो, उसका प्राइस हमें 3999, मतलब 400 के हिसाब से इंडियन रुपीस में पड़ता है। उधर से आगे गए तो हमें मिलता है एक 6 पैक का 799, मतलब 80 रुपये ये 6 पैक का रेट है इसका, 799 क्वांजा। उधर से हम आगे जो स्टॉल लगे वो फूड्स के, आप उधर कुछ भी खा सकते हैं। अभी आगे दिखाएंगे आपको कि उसमें क्या क्या मिलता है क्या नहीं। आगे हम अभी हमको लेना था क्या, चिकन लेना था, तो हम चिकन लेने आए थे। ये हो गया चिकन अपना 2149, मतलब
2200 मतलब 120, 120 के हिसाब से केजी पड़ता है। ये पैकेट है 1100 ग्राम का एक पैकेट है ये। उसका रेट आपको दिखाता हूँ, इसके एक पैकेट का 2300 मतलब 140, 240 के इंडियन रुपीस पे पड़ता है एक 1100 ग्राम का। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, नॉन वेज वेज मीट भी मिलता है, आपको लेना होगा तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। उधर से ही आगे गए तो आपको सैंडविच सभी प्रकार की सब कुछ मिलता है इधर। इधर बोर्ड लगाया हुआ है प्राइस का, वो 100 100 ग्राम के हिसाब से आपको मिलता है। सैंडविच होता है सब कुछ, पास्ता, सलाद, नॉन वेज वेज सब कुछ आपको मिल सकता है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आगे जाते हैं चॉकलेट की, पहले हम चेक करते हैं तो 199 रुपये का एक चॉको डेरी मिल्क का प्राइस चेक किया हमने। डेरी मिल्क इधर अपने यहाँ पे मिलता है, यही डेरी मिल्क आता है 50 60 रुपये का, इधर आता है 160 रुपये के हिसाब से, 70 रुपये 170 के आसपास मिलता है, इतना महंगा आता है। हमारे यहाँ पे आती है 160 70 रुपये के हिसाब से आती है, यहाँ पे डबल ही प्राइस होता है सब कुछ। वहाँ से आगे तो हमको चिप्स पैकेट मिलता है, ये 90 रुपये का है, यही इंडिया में आता है 50 रुपये का, यहाँ समथिंग 40 50 रुपये का आता है, इतना महंगा है इधर। ये इसका प्राइस था कितना, 299 मतलब ये 30 30 रुपए के हिसाब से ये बराबर था कुरकुरे के प्राइस। अपना लेज इसका पैकेट कितने में है, ये 150 रुपए, 145 रुपए मतलब 150 रुपए के हिसाब से अपने यहाँ पे आता है 50 रुपए का। जैसे हम वहाँ से आके जाते हैं तो बेकरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको वहाँ पे, पाव ब्रेड केक सब कुछ वहाँ पे मिलता है। तो ये बिस्किट से, ये बिस्किट का प्राइस क्या है, 300 350 कौन सा मतलब 40 50 40 के रुपए के आसपास से ये अपना यहाँ का है। तो ये केक 600 650 मतलब 60 रुपये 70 रुपये के हिसाब से आपको मिलता है, ये सस्ता पड़ता है। इधर केक होता है सब कुछ, आइसक्रीम्स होते हैं, ये एक केक का प्राइस है 2450 मतलब 250 300 रुपये के हिसाब से आपको ये मिल सकता है। ये लिटिल छोटे बच्चों का शैम्पियन 500 600, ये ब्रेड का 600 मतलब 60 70 रुपये के हिसाब से मिलता है। जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के आगे गए तो वहाँ पे ये 13900 मतलब 1400 1400 रुपये का एक फ़ैन, ये 2000 रुपये का फ़ैन, ये ओवन 3000, ये ओवन 7400। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिया के कंपेयर से बहुत महंगा है, तो आप देख कर ही लेना।
जैसे आगे जाते तो हमें मिलती है आयरन, तो आयरन का प्राइस देखते हैं तो मतलब एक 9,000, मतलब या अच्छा है, 900,000 रुपये के आसपास हमको मिलता है। यहाँ पे कैंची, कैंची हमारे यहाँ पे आती है, ये डीमार्ट की, या इधर उधर किधर पे ले तो 20 रुपये, इधर आती है 50 रुपये की। लिपस्टिक, मेकअप का सामान ये वगैरह था इधर। इधर से जैसे ही हम आगे जाते हैं तो मिल्क 150 रुपये लीटर मिलता है इधर, वो भी फ्रेश नहीं होता, बनाया हुआ। ये यहाँ पे सभी दाल, ये वो राइस सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो राइस देखते हैं हम अभी, ये इस राइस का प्राइस है 700, मतलब 80 रुपए केजी के हिसाब से आपको ये राइस का पैकेट एक मिलता है, 1 केजी। ये अपना इंडियन ब्रांड भी है इधर बासमती, इसका रेट किधर मिल नहीं रहा था, डिस्प्ले नहीं किया होता इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, तो भी 150 रुपए के हिसाब से इधर होगा। अपने यहाँ का दाल भी मिलता है इधर, छोले मिलता है, प्रति इंडियन थोड़ा बहुत ये रख रहे हैं, अभी चालू करा है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा बहुत ये इन्होंने रखना चालू किया है। इसका मेरे को पता नहीं कि इसका नाम क्या होता है, तो ये 210 के हिसाब से आपको मिलता है, 1 केजी का पैकेट होता है। जैसे शॉपिंग हो गई, बिलिंग करके हम निकल पड़े, मैंने एक बर्गर लिया और एक मिक्स सैंडविच लिया, उसके 350 300 के हिसाब से मेरे को मिल गया।